अगर आप कहीं काम से या बाहर घूमने का प्रोग्राम बना रहे हैं तो संपर्क करें शिवाय ट्रेवल्स, मोबाइल नंबर 9763083315। टाउन दर्शन न्यूज, समाचार ही नहीं विचार भी। नमस्कार, मैं अशोक पिंजानी, आप देख रहे हैं टाउन दर्शन न्यूज। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर महाराष्ट्र सरकार ने 8 जनवरी को नई गाइडलाइन जारी की, जिसमें 9 जनवरी को कुछ बदलाव किए गए हैं। इस संबंध में टाउन दर्शन ने उल्हासनगर शहर की प्रमुख व्यापारी संस्था उल्हासनगर ट्रेड एसोसिएशन के वर्किंग प्रेसिडेंट दीपक शतलानी से बात की। आइए देखते हैं वो इस संबंध में क्या कह रहे हैं। कल 8 जनवरी को महाराष्ट्र सरकार की तरफ से जो गाइडलाइंस आई हैं, उसमें जो मार्केट कॉम्प्लेक्सेस और शॉपिंग मॉल्स हैं उनको रात को 10 बजे बंद करना है और उनको सिर्फ वैक्सीनेटेड लोगों को ही अंदर आने देना है अपने कॉम्प्लेक्स में। तो बाकी जो शॉप्स हैं, सिंगल शॉप्स हैं, उनके लिए कोई भी नई गाइडलाइन नहीं है। लेकिन मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी व्यापारियों को कि जैसे कि 11 बजे से कोई भी मूवमेंट अलाउड नहीं है, तो 10 बजे अपना शॉप बंद कर 11 बजे तक अपने घर पहुँच सकें। और मेरी एक व्यापारियों से और एक रिक्वेस्ट रहेगी कि जिन भी व्यापारियों ने सेकेंड डोज नहीं लिया है अभी तक, या सेकेंड डोज उनका हो गया है, टाइम उन्होंने नहीं लिया है, तो ले लें। और जिन व्यापारियों ने एक भी डोज नहीं लिया है या उनके स्टाफ ने एक भी डोज नहीं लिया है, तो ज़रूर वैक्सीन का डोज लें। क्योंकि कल ही बीएमसी की तरफ से, मुंबई कमिश्नर की तरफ से एक जानकारी आई है कि जो मुंबई में पेशेंट्स एडमिट हैं उसमें जो ऑक्सीजन बेड्स पे 96% लोग हैं, उनको कोई भी एक भी डोज नहीं लगा हुआ है। इसका मतलब ये है कि वैक्सीन काम कर रही है, तो वैक्सीन का फ़ायदा लें। और वैक्सीन के बहुत से सेंटर्स शहर में हैं, और वैक्सीन लेकर अपने आप को सुरक्षित करें और अपने परिवार को भी सुरक्षित करें। अभी भी कुछ लोग जो हैं मास्क नहीं पहन रहे हैं या सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, तो मैं बोलूँगा कि जो बड़ी गैदरिंग्स हैं उसको अवॉइड करें और मास्क जरूर पहने। सबसे बड़ा आपका सुरक्षा कवच जो है मास्क है, वो जरूर पहने। और दूसरा एक मैं उसमें जोड़ना चाहूँगा कि कल जो आदेश आया था उसमें सलून, ब्यूटी पार्लर और स्पा बंद दिखाए गए थे, लेकिन अभी अभी आदेश आया है जिसमें 50% कैपेसिटी के साथ सलून और ब्यूटी पार्लर और स्पा और जिम चालू रख सकते हैं। लेकिन उसमें सिर्फ वैक्सीनेटेड लोगों को ही अलाउड करना है, और मास्क पहनकर जो भी पार्लर में कर सकते हैं वही कर सकते हैं, विदाउट मास्क उनको कोई भी अलाउड नहीं है। मतलब जो कस्टमर आपका है, मास्क पहनकर आप उनको जो भी ट्रीटमेंट दे सकते हैं वो दे सकते हैं, लेकिन उसके बगैर कुछ भी अलाउड नहीं है। तो ये सलून और स्पा वालों के लिए और जिम वालों के लिए खुशखबरी है कि फ़िलहाल गवर्नमेंट की तरफ से उनको अलाउ किया गया है। गवर्नमेंट की तरफ से जो गाइडलाइन आई है उसमें कोई लॉकडाउन के तरफ इशारा नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट के जो भी आए हैं आदेश उनका पालन करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम लोग इसी तरह से गैर जिम्मेदारा व्यवहार करेंगे जैसा कुछ लोग कर रहे हैं, तो आगे चल के गवर्नमेंट को लॉकडाउन ही लगाना पड़ेगा। तो मैं कहूँगा कि सतर्क हो जाए, और गवर्नमेंट कोई लॉकडाउन नहीं लगा रही है फिलहाल, उन्होंने सिर्फ रिस्ट्रिक्शन लाए हैं थोड़े, तो उनका पालन जरूर करें। धन्यवाद।